कौन, कोई भी नहीं बोल रहा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट तो सुपरस्टिशन, सारे साइंटिस्ट तो पूजा करते हैं, पूजा क्या है, सब बोल रहे पॉजिटिविटी है। राम कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सब बोल रहे सकारात्मकता ही तुम्हारा गॉड है। क्या है, क्या बोला गया हमारा ईश्वर, क्या बोला गया हमारे धर्म ग्रंथों में, आपकी सकारात्मकता आपका ईश्वर है। तो विज्ञान भी यही बोल रहे हैं। अब डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स देखो, डीएनए के जब आप फैंटम इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स देखो, जो सारे फैंटम इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं ना, सकारात्मक चूहों पर एक्सपेरिमेंट कराए गए, चूहों को डराया गया पहले, एक एक्सपेरिमेंट हो उसमें चूहों पर ही अलाउड है ना, वरना तो इंसानों पर होते हैं, लेकिन इंसानों का एक्सपेरिमेंट पब्लिश करेंगे तो सीआईओ को पकड़ लिया जाएगा। तो चूहों पर एक्सपेरिमेंट हुए, चूहों को बहुत डरा दिया गया, बहुत डरा दिया गया, अलग अलग प्रकार से डरा दिया गया। पहले चूहे को आजाद करा, उसे लग गया मैं बच गया, जैसे ही बचा तो उसे फिर से जकड़ लिया गया काले कपड़े में, फिर थोड़ी देर जकड़ के रखा, फिर आजाद किया, फिर उसे चूहे को लगा अब तो मैं बच गया, तो फिर उसे हाथों से जकड़ लिया, फिर उसे आजाद करा, फिर चूहे को लगा फाइनली मैं बच गया, फिर उसे बक्से में कैद कर लिया। तो ये इसका वैज्ञानिक टर्म है, हेल्पलेसनेस डेवलप करी जाती है, इंड्यूस करते हैं वो हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस शब्द आप समझ पा रहे होंगे, निराशवादी, एकदम निराश हो जाए जीवन के प्रति कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो विकसित करी गए, भाव उत्पन्न करेगा चूहों के अंदर। अब जब वो भाव उत्पन्न करेगा, दूसरे सेट ऑफ चूहों पर ये भाव नहीं उत्पन्न करेगा। तो जो हेल्पलेस चूहे थे ना, जो निराश हो चुके थे जीवन से, कुछ हो ही गई नहीं, अब तो खत्म हो गया मैं, तो उन चूहों को पानी में डाला, और जिन चूहों के अंदर निराशा नहीं थी, सकारात्मकता थी, कि उन्हें बचा रहे थे बार बार, है ना, उनके छोड़ दे रहे थे, उन्हें आजाद छोड़ दे रहे थे, वो सकारात्मक चूहे थे। तो जो नकारात्मक चूहे उन्हें पानी में डाले, वो 5 मिनट में डूब के मर जा रहे हैं, जबकि जो सकारात्मक चूहे थे वो जानते थे कि वो बच जाएंगे, है ना, बच जाएंगे, ये भावना पैदा कर दी गई चूहों के अंदर। आप समझ पा रहे हैं कैसे इंड्यूस करी भावना, क्योंकि जब भी चूहे डूब रहे थे उन्हें कोई बचा ले रहा था। तो इस दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ चूहों में पॉजिटिविटी विकसित कर दी गई और कुछ चूहों में नकारात्मकता विकसित कर दी गई। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। अब जो नकारात्मक चूहे थे वो तो 5-5 मिनट में मर जा रहे, उन्हें पानी में छोड़ो वो तैर ही नहीं रहे और मर जा रहे। और जो सकारात्मक चूहे थे, कुछ कुछ जगह तो ये लिखा है 11 घंटे तक वो चूहे तो तैर ही तैरे। कई एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे आया, अगर आप भोजन देते रहो उन चूहों को तो 11 दिन तक भी वो जीवित रह रहे, तैर पा रहे। आप समझ रहे हैं? तो ये तो सुपरस्टिशन तो कोई भी नहीं कह रहा। क्या चीज है सकारात्मकता, कैसे आती है मनुष्य में, कैसे आएगी सकारात्मकता? तो चूहों में तो ऐसे आ जाती है सकारात्मकता, मनुष्यों में कैसे आएगी सकारात्मकता? तो मनुष्य में सकारात्मकता का बहुत सरल सा विज्ञान है। जिस तरह से आपका भय आता है उसी तरह से सकारात्मकता आती है। भय कैसे आता है? आप 1000 बार बोल दो अब तो मैं मरा, मर जाओगे। कितना फेमस एक्सपेरिमेंट है हर जगह, प्लेसिबो नोसिबो के, शैम सर्जरीज के। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है, डॉक्टर सब जानते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जितना एलोपैथी आपको केमिकल लोचा लगता है ना, कि केमिकल खिला रहे, उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट मस्तिष्क पर करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको सफेद रंग की ही क्यों गोलियां खिलाते हैं? सुई जब लगते हैं इंसान के, तो ज्यादा प्लेसिबो क्रिएट करती है सुई, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन पैदा करती है। गोली अगर खिलाएंगे तो कम रिएक्शन पैदा करती है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट गोली हो जाएगी तो कम रिएक्शन पैदा करेगी, सफेद गोली ज्यादा रिएक्शन पैदा करती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। जितना पेनफुल आपकी सर्जरी हो रही है, उतना ज्यादा प्लेसिबो क्रिएट हो रहा है, शैम सर्जरीज हो रही हैं। तो प्लेसिबोस कहां से आ रहे हैं, सकारात्मकता कैसे आ रही है? अच्छा, अगर विज्ञान डॉक्टर इंसानों को पता चल जाए कि तुम्हें प्लेसिबो दिया गया, यानी कि तुम्हें ग्लूकोज का मीठा मीठी गोली दी गई, और जबकि उन्हें असली गोली दी गई होगी, तो वो बीमार पड़ जा रहे हैं। लोगों को अगर झूठ झूठ बोल दिया जाए कि जो गोलियां तुम पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उसमें गड़बड़ है, आप समझ रहे हो, जो वैक्सीन के बारे में बहुत संभव है जो लोग मर रहे हो नोसिबो से मर रहे हो। ये बहुत बड़े बड़े विज्ञान है, वो तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। अब जो साधु संत हैं बेचारे, वो भी सीधे सीधे होते हैं, वो डॉक्टर आके उन्हें पकड़ के सुइयां लगा दे रहे हैं, सुइयों को प्रमोट करे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आपको कोई साधु संत दिख रहा है और आपको वो शारीरिक रूप से बीमार दिख रहा है, तो आप पहले रुक जाओ, उससे ज्यादा बड़े तो आप डॉक्टर विश्वरूप के हाथ जोड़ लो। वो तो जीवन के विपरीत है वो साधु संत आज के, जो 15 किलो की तो उनकी तोंद, अगर आप नाप पाओ तो किसी दिन, अगर आप पिंच टेप बन जाए तोंद नापे आप जरा उनकी, वो तो ईश्वर के विरुद्ध हो रखे हैं। हर धर्म ग्रंथ में लिखा सेहत वो सबसे जरूरी है, शरीर आपका मंदिर है, कौन सा धर्म ग्रंथ नहीं है, है ना। तो जैन का जैसे मैंने आज आपको बताया शलाखा पुरुष, यानी कि जो सारे के सारे गुरु हैं जैन गुरु, अगर असंभव है कि सेहतमंद ना हो और वो गुरु बन पाए, संभव ही नहीं है। तो आप उन लोगों की बातें मत सुने, आप खुद की बातें सुने, और खुद की भी आप अपने में झांकेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि सारी गड़बड़ हमसे शुरू हो जा रही है।
है ना। तो अपने माइंड से बहुत, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा इशू आप लोगों को लगता होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी फैमिली बहुत धार्मिक रही है, है ना। तो हम जो धार्मिक लोग होते हैं, जो इतने रिलीजियस नहीं है, उन्हें तो लगता है अरे क्या ही हो गया ना, माँ काली की, माँ दुर्गा की ऐसी मूवीज बन गई गंदी गंदी, क्या ही फर्क पड़ता है, है ना। लॉजिकली तो यही लगता है लोगों को, लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं ना, उनके लिए ना अपनी माँ, अपनी मदर, असली मदर, शरीर की वाली मदर से भी ज्यादा बड़ी जरूरत होती है ईश्वर की भक्ति। ऑप्शन हो कि अपनी माँ को थप्पड़ मार लो या फिर ईश्वर की बेइज्जती कर लो, तो लोग कह देंगे हाँ इस वाली माँ को मार दो, तुम थप्पड़ मार दो, लेकिन जो मेरा ईश्वर है ना, लोग उस अपने माँ बाप से भी ज्यादा ईश्वर से, माँ काली से भक्ति करते होते हैं। लेकिन ये इमोशन नहीं समझ पाते मूवी बनाने वाले ना, जो मूवीज बना रहे, उन्हें लगता है कि गॉड तो अलग होता है और मदर फादर अलग होते हैं, वो भक्ति नहीं समझ पाते। तो भक्ति वो नहीं समझ पाते, आप उनसे उम्मीदें भी मत रखिए। हमारी माता जी जो माँ काली माँ दुर्गा की पूजा करती हैं, बहुत दुखी हो जाती थी जो वो देख रहे हैं कि ऐसे गंदी गंदी मूवीज बना रहे हैं देवी देवताओं को लेकर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये समझाते कलयुग ये तो हो नहीं है, और ये अगर नहीं होगा तो आप तो फिर खुद ही आप तो प्रमोट कर रहे हो फिर कृष्ण जी के खिलाफ हो गए हो, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों में ज़्यादा वो मत होइएगा। और ये आप ये भी समझे ना कि ये जो आप बोल रहे हो, ये आप ना असल में बहुत बड़ा खेल बोल रहे हो, ये कोई मजाक खेल नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल पे जब आप उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पेपर्स पढ़ते हो, तो वो बोल रहे हैं कि लोग ना औरतें बच्चा पैदा करना रोक ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कुदरत की देन है, तो जितने बच्चे हो जाए पैदा हो। औरतें और आदमी समलैंगिक हो ही नहीं रहे। क्यों आदमी औरतें समलैंगिक हो? क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा तो सबसे गंदी चीज है, उनकी मुसीबत है। आप अगर डरोगे नहीं ना, अगर आप अधिकतर अगर हमारे देश में पूरी दुनिया में 20-25% ऐसे लोग हो जाएं कि अच्छा वो तुम मारोगे, जैसे चाइना में स्थिति है ना कि तुम मार दोगे अगर हम तुम्हारी बात ही माने, मार दो हमें भय खत्म, तो वो लोग उसी टाइम फ्लॉप हो जाएंगे। उनकी शक्ति है लोगों को भय में रखना, फियर पे वो फीड करते हैं आप लोगों की, फियर से उन्हें शक्ति मिलती है। अगर आप ऐसे हो जाओ ना निडर से, एकदम निडर से, तो उनके वो जो पूरा एजेंडा चल रहा है, उनका एजेंडा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं इमोशंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग। आप जानते हैं वो इमोशंस स्टिमुलेट करते हैं, बंदों को पकड़ते हैं, वो उनको ड्रग्स देते हैं। कौन से ड्रग्स से इमोशन स्टिमुलेट हो रहा है? क्योंकि उन्हें दिख चुका है कि मस्तिष्क तो कुछ है ही नहीं हृदय की शक्तियों के आगे, उन्हें दिख गया। हृदय शक्ति क्या होता है? भक्ति की शक्ति।